पाप का तांडव फिर से उठा, जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता, देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। नहीं है रानी, नहीं है राजा, नहीं है रानी, है ये अजब कहानी जी। जब जब पाप बढ़ेगा सुन लो आएगा एक जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी, रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, 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 जूनियर जी। बेशर्म माँ बाप की बेशर्म औलाद, बेशर्म माँ बाप की बेशर्म औलाद, बेशर्म माँ बाप की बेशर्म औलाद। क्या करेगा तू? एक बार नहीं हजार बार बोलती हूँ, तुम्हारे माँ बाप घटिया थे, घटिया थे, घटिया थे। अपने छोटे से अपमान के बदले के लिए तुमने अपनी शक्तियों को इस्तेमाल किया। आज तो मैं इसको घर में रखने वाली नहीं, अब मैं खुद इस घर में रहना नहीं चाहता। तुम्हारी सजा यही है कि तुमसे तुम्हारी सारी शक्तियां छीन ली गई हैं। मैंने घर छोड़ दिया। ओह। और अब मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूं। क्या? और अब आगे। शैली, तुमने दो पराठे खा लिए? हाँ, वो बहुत टेस्टी बने ना, इसलिए मैं एक और खाऊंगी। हाँ हाँ, लो ना, मैंने कब मना किया। मम्मी, मम्मी एक और पराठा लाओ ना, मम्मी जल्दी आओ ना। हाँ हाँ, अभी लाई, चिल्लाओ मत। शैली, आज तुम्हें हो क्या गया है? क्या मम्मी, बच्चे ज्यादा खाते तो पेरेंट्स खुश होते हैं, और आप भी। शैली, मैं तुम पे नाराज नहीं हो रही हूँ, बल्कि मुझे हैरानी हो रही है कि जो लड़की दो पराठे खाने में मुझे रुला देती थी, आज चार पराठे कैसे खा रही है। चार ऑप्शन दो तो बताऊंगी। अरे सुधा, अरे शैली, तुम अब तक स्कूल नहीं गई? वो पापा बस में निकल ही रही थी, बिल्कुल तैयार हूँ, वो नाश्ता कर रही थी। तो चलो मेरे साथ चलो। आपके साथ? हाँ, मुझे एक क्लाइंट से मिलने उधर ही जाना है, मैं तुम्हें रास्ते में ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन वो पापा, पापा मेरे स्कूल को तो अभी आधा घंटा बाकी है। ओहो, तो जल्दी जाने से पनिशमेंट तो नहीं मिल जाएगी ना? लेकिन
ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा चलो। शैली कहाँ? वो मैं बस अपना बैग ले रही थी। शैली ये रहा तुम्हारा बैग, अब इसे पकड़ो और चलो मेरे साथ। सुधा मैं ऑफिस जा रहा हूं, बाय। शैली ये तुम स्टोर रूम की तरफ क्या देख रही हो? कुछ है क्या वहां पर? नहीं पापा, बस वो ऐसे ही, कुछ नहीं। तो चलो, देर हो रही है। इतनी देर हो गई, शैली अब तक आई क्यों नहीं? स्कूल का टाइम भी हो गया है, शैली क्यों नहीं आई अब तक? भीड़ क्यों लगी हुई है? ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ हुआ है, मैं अभी पता लगाता हूँ। नहीं पापा मैं भी चलती हूँ आपके साथ। मैं अभी पता लगाता हूँ। नहीं पापा मैं भी। शैली हुआ क्या है? अरे भाई साहब, स्कूल के सारे बच्चे पत्थर के जैसी मूर्तियां बन गए, पता नहीं अंदर क्या आफत आई हुई। भाई साहब पत्थर, पत्थर की मूर्तियां? स्कूल के गेट के सामने मौजूद है। यहाँ एक अजीबोगरीब हादसा हुआ है, यहाँ के सब बच्चे पत्थर की मूर्तियों जैसे भूतों में तब्दील हो गए। जी हाँ, ये एक ऐसा हादसा है जिसने यहाँ के मैनेजमेंट, पेरेंट्स और बच्चों तक के दिमाग में डर और तनाव का माहौल पैदा कर दिया है। कोई नहीं जानता कि यह कैसे हुआ, यहाँ के सब बच्चे पत्थर की मूर्तियाँ बन गए हैं। आइए इस बारे में जानकारी हासिल करते हैं यहाँ के चपरासी से। एक्सक्यूज मी आप क्या बता सकते हैं यह हादसा कैसे हुआ, इसके पीछे कारण क्या है? मैं क्या बता सकता हूँ मैडम, मैंने आज तक जिंदगी में ऐसी घटना पहले कभी नहीं देखी। अरे जो भी स्कूल की बिल्डिंग में जाता है, जाते ही वो पत्थर बन जाता है। ये सब घटना को देख के मेरे तो होश ही उड़ गए हैं। लेकिन आपने कुछ तो देखा होगा कि क्या हुआ, बच्चे कैसे बनते जा रहे पत्थर की मूर्तियाँ? मैंने देखा तो नहीं है पर सुना जरूर है। इस बिल्डिंग के पीछे वाली साइट में कुछ ऐसी आवाजें, हुंकारने जैसी आवाजें आती है जिसे सुनते ही सभी लोग घबरा जाते हैं। मैं अभी भी इन आवाजों को सुनता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लगता है इस स्कूल में किसी प्रेत का साया घुस गया है। जैसे कि तुकाराम ने बताया कि बिल्डिंग में कुछ फुंकारने जैसी आवाजें आ रही है, लेकिन हमको और जानकारी नहीं मिल पा रही है। और जानकारी के लिए हम बात करते हैं यहाँ के प्रिंसिपल मिसेस नंदा से। आइए हम उसे पूछते हैं। एक्सक्यूज मी यस मिसेस नंदा, क्या आप बता सकते हैं कि ये सब कैसे हुआ? अभी तो इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हम सब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस गुत्थी को जल्दी से जल्दी सुलझा सकें। बस एक बात पक्की है कि जब तक हमारे बच्चों के सर से मुसीबत नहीं टल जाती, हम स्कूल बंद रखेंगे। That's all I can say. Thank you. धन्यवाद मिसेस नंदा। जैसे कि मिसेस नंदा ने बताया कि यहाँ पर डर और कंफ्यूजन का माहौल है और कोई भी इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहा है। बच्चे सब पत्थर की मूर्तियाँ बनते जा रहे हैं। ये नेचर है, प्रकृति है या सुपरनेचुरल पावर है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है? अभी तक हमें इस बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं हुई है। जैसे ही हमको और जानकारी हासिल होगी हम फिर वापस आएंगे। तब तक के लिए रंजना शर्मा, मुंबई। आखिर स्कूल के अंदर ऐसी कौन सी बात है जिससे बच्चे पत्थर की मूर्ति बन गए हैं? मुझे चलकर देखना चाहिए। नहीं, मुझे जाना ही चाहिए। हाँ Thank you.
लगता है शैली अपने पेरेंट्स से नजर बचाकर निकल नहीं पाई होगी। अब यहाँ से बाहर निकलने के लिए मुझे कुछ करना होगा। जी जैम जैमी बूम जी जैम जैमी बूम। ओफो ओफ, मैं बार बार भूल जाता हूं कि मेरी शक्तियां छीन ली गई है। अब यहां से बाहर निकलने के लिए कुछ और करना होगा। चलो शैली घर चलते हैं। शैली 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 शैल एक्सक्यूज मी, क्या बात है, आप किसी को ढूंढ रहे हैं? हाँ, मेरी मेरी बेटी शैली अभी यही थी, पता नहीं किधर निकल गई। ओह माय गॉड, आप शैली के फादर हैं? देखिए आप बिल्कुल मत घबराइए, यहाँ पे इतना कंफ्यूजन है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं उसे अभी ढूंढती हूँ, आप मुझे सिर्फ एक मिनट दीजिए बस। शैली शैली आप लोग शैली को ढूंढ रहे हैं? हाँ, तुमने उसे देखा? वो तो स्कूल के अंदर चली गई, जब हम लोग बाहर आ रहे थे तो वो अंदर जा रही थी। हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर वो बिल्कुल नहीं मानी। ओह नो, वो अंदर कैसे जा सकती है? देखिए आप प्लीज मत घबराइए, शैली एक बहुत समझदार लड़की है, उसे कुछ नहीं होगा। मैं अभी किसी को भेजती हूँ, वो उसे ढूंढ लेगा। आप रुकिए यहाँ पे। तुकाराम मेरी मानो अभी भी पलट लो, पता नहीं अंदर क्या है। पर मैडम ने हमें शैली को ढूंढने भेजा है। वो तो मुझे भी पता है, पर अंदर बहुत खतरा है। मुझे भी पता है कि अंदर खतरा है, पर भैया ये एक बच्ची की जिंदगी का सवाल है। देख मैं तेरी बात समझता हूँ, जानता हूँ, पर सोच अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे बाल बच्चों का क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, तू बस हिम्मत रख। तो मैडम को बोलना था ना कि हमारे बस की बात नहीं है, आप ही जाकर खुद ढूंढ लो। अच्छा चुप कर और बच्ची को ढूंढते हैं।
मैडम 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 शैली मेरी बेटी, मेरी बेटी को क्या हुआ शैली? मेरी बेटी को क्या हो गया? कोई अंदर हो गई थी? मेरी बेटी को क्या हुआ? कोई डॉक्टर को बुलाओ। आप प्लीज घबराइए मत, आप धीरज रखिए, इसे हॉस्पिटल ले जाइए, इसका इलाज हो जाएगा। आप प्लीज डॉक्टर डॉक्टर कोई प्लीज डॉक्टर को ले आओ प्लीज। मैं आपकी परेशानियों को समझता हूं, मेरी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए। इस तरह का हादसा पहली बार हुआ है, हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका इलाज कैसे किया जाए। अगर आप लोग इस तरह परेशान करेंगे तो हम लोग इसका इलाज कैसे करेंगे? सॉरी डॉक्टर, आप कीजिए, अपना काम कीजिए। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता, बच्ची पत्थर की हो चुकी है। ऐसे कैसे चेकअप करेंगे? रास्ता भी तो नहीं इस बच्ची के इलाज करने के लिए। आपके पास कोई सुझाव हो तो बताइए। हे भगवान, किस मुसीबत में हम लोग फंस गए? किस गलती की सजा मेरी बच्ची को मिल रही है? डॉक्टर डॉक्टर मेरी बच्ची को बचा लो, मेरी बच्ची को बचा लो डॉक्टर, मेरी बच्ची पत्थर की हो गई। इसे जरूरत क्या थी स्कूल बिल्डिंग में जाने की, जब पता था कि उधर खतरा है तो उधर गई। आप चुप रहिए, ये कोई टाइम है बच्ची के ऊपर गुस्सा निकालने का? आप देख नहीं रही किस हाल में मेरी बच्ची पड़ी हुई है? क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं इसे टक्कर मारूंगा तो इसकी आवाज से चले के घर के नौकरों का ध्यान यहां खींच जाएगा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे यहां से निकलने के लिए कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा।
क्या गौरव अपनी खोई हुई शक्तियां वापस पा सकेगा? आखिर क्या है वो रहस्य जिससे बच्चे पत्थर की मूर्ति बनते जा रहे हैं? जानने के लिए देखिए जूनियर जी का अगला एपिसोड। बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी, रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी।